हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने छात्र संघ चुनावों का समर्थन करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का संवैधानिक हक है, ऐसे में सरकार को इस पर लगी रोक को हटाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर अनशन पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले। इस मौके पर कुलदीप सिंह राठौर ने छात्र संघ चुनाव बहाली का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का संवैधानिक हक है। जिन हिंसक परिस्थितियों में इस पर रोक लगी थी, अब उन परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। अब शैक्षणिक संस्थानों का माहौल सुधरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1978 में भी छात्र संघ आंदोलन के बाद ही छात्र संघ चुनाव हुए थे। अब सरकार को प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी हिंसक गतिविधियों के चलते इन पर रोक लगी थी। सरकार को चाहिए कि कठोर नियम बनाकर चुनाव बहाल करे, जिससे शिक्षा का माहौल भी बना रहे और हिंसक गतिविधि वाले छात्र चुनाव न लड़ सकें। हमारे जो एनएसयूआई का यहाँ यूनिट है, उन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर जो क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है, तो मैंने उचित समझा कि मैं आके अपने एनएसयूआई के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह बढ़ाऊँ, और इसलिए मैं उनसे मिलने यहाँ स्वयं आया। एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, इस बात को बोलने से हम मुकरते नहीं, हम कहते स्पष्ट रूप से कहते हैं हमारा छात्र संगठन। लेकिन जिस तरह कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, हमारे जो सारे संगठन हैं उनके अपने अपने काम हैं, और जो हमारा छात्र संगठन है उसका काम है छात्र हितों को लेकर बात करना। अब ये छात्र हितों की बात कर रहे हैं, अगर ये छात्र हितों की बात करेंगे तो पार्टी का समर्थन निश्चित रूप से इनके साथ रहे।